हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज दो मिनट में हम कोशिश करेंगे इकोनॉमी के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल फॉर्मेशन को समझने की। दोस्तों, कैपिटल फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत बार इसको लोग थोड़ा मुश्किल मानकर छोड़ देते हैं एंड अटेम्प्ट नहीं चाहते करना। लगता है अरे इतने ही मुश्किल इकोनॉमी कौन पढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ उस वीडियो में थोड़ा सा इसको आसानी से आपको समझ आए इस तरह से आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहली बात है। दोस्तों, कैपिटल होती क्या चीज़ है? दोस्तों, कैपिटल का मतलब है कि ऐसी धनराशि, कोई ऐसे टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी कोई हमने अगर पैसे बचाए हुए हैं, सेविंग की हुई है, किसी के स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ जो लॉन्ग रन में, ठीक है दोस्तों, कैपिटल वर्ड ही वहीं से निकला, जो लॉन्ग रन में अगर दोस्तों हम देखें, अगर कि आज मैंने अगर 100 रुपये कमाए, तो लेकिन 100 रुपये में से मेरे जैसे भी कुछ पैसे खर्च हो गए, मैंने खा पी लिया और मैंने कुछ घर का किराया दे दिया, लेकिन उसमें से लेकिन मैंने फिर भी मैंने लेट से मान लीजिए 30 रुपये बचा लिए कि मुझे फ्यूचर में ये कुछ मेरे काम आएंगे, मैंने कहीं सेविंग में डाल दिए एंड बैंक में डाल दिए, किसी स्टॉक में डाल दिए, तो वो 30 रुपये आगे फर्दर जैसे चाहे मैंने बैंक को दे दिए, बैंक वाले ने आगे किसी कंपनी को दे दिए, उस कंपनी वाले ने कोई मशीनरी बना दी। ठीक है दोस्तों, तो ये मल्टीपल तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट के जैसे हम अपने फ्यूचर में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग रन में जो हमारे लिए ग्रोथ का कारण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल फॉर्मेशन देश के लेवल पर भी हो रही है। देश में मतलब आप, मैं और बहुत सी कंपनीज, गवर्नमेंट, ये सब मिलकर देश में लॉन्ग रन में चाहते हैं कि कोई बढ़िया कुछ हम कुछ काम करें, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं एंड मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो कैपिटल फॉर्म जो फॉर्मुलेट होती जा रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहां पर अगर हम देखें, इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, कई बार ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। कि ग्रॉस का मतलब है कि अगर मैं कुछ चीजें क्रिएट कर रहा हूं तो कुछ डिस्कार्ड भी तो कर रहा हूं ना। ठीक है, तो मैं अगर डिस्कार्ड को शामिल नहीं करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कोई बड़ा सा एक ट्रक लिया, ठीक है, जो कि मेरे देश में बहुत जैसे जो सामान को यहां वहां ले जाने में मदद करेगा, तो मैंने लेकिन कोई पुराना ट्रक डिस्कार्ड भी तो किया होगा, तो अगर मैं डिस्कार्ड वाले को छोड़ दूं या फिर मेरी जो मशीनरी जो घिस रही है, खराब हो रही है, उसको छोड़ दूं, तो मैं टोटल कितना ऐड किया मुझे ये जानना है, तो ग्रॉस कैपिटल की बात होगी। लेकिन अगर मैं उसमें से डिडक्शंस भी कर दूंगा, सर मैंने इतना डिस्कार्ड कर दिया या फिर मेरा इतना सामान पुराना हो गया, तो मैं उसमें माइनस करना शुरू कर दूंगा, तो ये नेट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, ये इंग्लिश का टर्म है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे टोटल फिक्स्ड कितना कैपिटल बनाया आपने, जो स्टॉक में कितना, स्टॉक मतलब इंटरमीडियरी भी तो है ना, जरूरी नहीं है ना कई बार पूरी की पूरी चीज एक ही बारी में बन जाए, इंटरमीडियरी कुछ ऐसे मेरा रह जाता है। ठीक है, और रादर ऐसा होता है कि मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है, उसमें मैं बढ़ा देता हूं कुछ स्टॉक, मैंने कुछ बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इन्वेंट्री है ना, जिसको हम जो आसान शब्दों में इन्वेंट्री कहते हैं, मैंने कुछ बने हुए सामान में से मैंने सामान जो और बना के रख लिया, एंड देन उसके बाद कोई वैल्यूएबल वगैरह, गोल्ड वगैरह मैंने अगर प्रोक्योर किया, तो वो भी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोस्तों, मैं GFCF पर चाहता हूँ नज़र डालना, चाहे हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको मैं चाहता हूँ पूरा आपको जो ढंग से समझाना। तो GFCF की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर हैं कहाँ कहाँ पर, जो हमारा ग्रॉस, अगर ग्रॉस का मतलब समझ गए ना, मैंने इसमें डिडक्शन नहीं करी, नेट नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फिक्स्ड कितना कैपिटल बना, तो उसके कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, सरकार भी कर रही है, हाउस होल्ड मतलब आप और मैं भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर भी है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी PSUs या सरकारी डिपार्टमेंट्स, वो भी कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इसमें यहाँ पर इसका ट्रेंड देखिए। ठीक है, जो 2012 से लेकर 17 तक जो डेटा अवेलेबल है NAS का अभी, एंड अभी इको सर्वे वगैरह आएंगे तो एक साल का और आगे का डेटा आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सरकार का ट्रेंड मोर और लेस कॉन्स्टेंट है। हाउस होल्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जो हाउस होल्ड में देखिए कैपिटल फॉर्मेशन ग्रेजुअली घटता जा रहा है। अभी कोरोना के बाद की अगर हम बात करें, तो उसमें तो और शायद नजर आएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन हाउस होल्ड के लेवल पे सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गई है। प्राइवेट की राइज कर रही थी, लेकिन शायद अभी गिरेगी। एंड देन पब्लिक सेक्टर का देखें, पब्लिक सेक्टर फेयरली कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए कि हाउस होल्ड में अगर देखें तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल वो इतना नहीं कर पा रहे, ग्रेजुअली उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ग्रेजुअली उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो घटता जा रहा है इसमें। ऑलराइट, ओके, देन ओवरऑल भी अगर इसको आप ऐड करेंगे, टोटल जो
4%, देन 9%, 12.5% एंड 3.40%। ये भी अगर आप सम करेंगे, टोटल करेंगे, इसका भी ट्रेंड थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ GFCF में जो मेजरली जिसे कॉम्पोनेंट क्या रहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल जो आप बना रहे हैं, मशीनरीज, इक्विपमेंट या जो घर वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, ड्वेलिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्रॉडर कैटेगरी आती है कंस्ट्रक्शन मशीनरी इक्विपमेंट की, यहाँ पर ना आपको टर्म्स पूछ सकते हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट वाले जो इक्विपमेंट है शामिल होते हैं। जी सर। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या सॉफ्टवेयर GFCF का पार्ट है? जी सर, बिल्कुल। लॉन्ग रन में सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है ना, ऐसा तो नहीं है ना मैंने आज ही जैसे मैंने गोलगप्पे खाए थे, पापड़ियाँ खाई मैंने, अरे वैसे कंज्यूम नहीं होता ना सॉफ्टवेयर, रहता है मेरे पास कुछ तो बहुत 2-3-4-5 साल रहता है, ठीक है। तो ब्रीडिंग स्टॉक जो हमारे मवेशी हैं, पशु हैं, है ना, डेयरी कैटल, ये भी सभी कवर्ड होते हैं क्योंकि ये असेट है हमारे, फिक्स्ड एसेट हैं, लॉन्ग रन में हमारे काम आएंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मैं चाहता हूँ थोड़ी नज़र डालना क्योंकि इस पर सवाल बन सकता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में देखें तो इसमें आपने जो कुछ नया बनाया वो तो शामिल हो गई, कुछ रिपेयर ऑल्ट्रेशन करी वो भी शामिल होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट में चाहे शामिल हो जाए लेकिन शामिल तो होगा, ठीक है। हमारे कुछ फिक्स्ड एसेट में शामिल हुआ तो यहाँ पर आप जैसे ना बहुत लंबी, मैंने एक सरकारी वेबसाइट से ही लिस्ट निकाली, तो ये अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, हाईवे, स्ट्रीट, ब्रिज, जो भी है ना, कोई प्लांटेशन कर रहे हैं और लैंड रिक्लेम कर रहे हैं, लैंड रिक्लेम मतलब हो सकता है ना कि सी को हमने पीछे धकेल दिया हो, लैंड रिक्लेम कर दी, लेक को हमने सुखा दिया हो, लेक सुखा दी होगी है ना, लेक में अगर पानी था हमने हटा दिया पानी तो लैंड रिक्लेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मजेदार चीजें हैं। तो आप देखिए यहां पर ना, जैसे कोई मैंने विंड एनर्जी का सिस्टम लगा दिया, सोलर प्लांट लगा दिया, एफॉरेस्टेशन टाइप कुछ प्रोजेक्ट कर दिए, लैंड की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। तो ऐसे कोई चीजें कर दी अगर मैंने, वो भी हमारी इसमें शामिल होती हैं जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। ओके, देन दोस्तों ड्वेलिंग्स एंड स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर जो ड्वेलिंग्स मतलब घर वगैरह बन रहे हैं, स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसमें जब डाउन टर्न आता है ना, उसमें जब ऐसे मंदी का दौर आता है, तो ये मंदी का दौर ना स्टील, सीमेंट, इन सेक्टर्स को भी जो असर डालता है स्लो डाउन में, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ड्वेलिंग एंड इक्विपमेंट का अगर हम देखें 2017 के जो मार्च का डेटा, ये कैसे ग्रेजुअली हमें नज़र आता है कि इसमें डिक्लाइन तो है, ठीक है, जो रिकवरी की बात इक्विपमेंट में नज़र आती है, लेकिन फिर भी डिक्लाइन है जो ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन आता है, तो इसका इन सेक्टर्स पे असर पड़ता है। ओके, अब मैं आपको कुछ चाहता हूँ कुछ एक्सेप्शंस बताना कि कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती, कौन सी शामिल होती हैं एग्जाम में, जो सवाल हमसे पूछ सकते हैं एक्सेप्शंस। दोस्तों अगर आप मिलिट्री पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो तो वो शामिल नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए कि आप जैसे मिलिट्री वालों के लिए घर बना रहे हो, वो शामिल होगा, ठीक है, जो मिलिट्री वालों के लिए घर, लेकिन जैसे आप बंकर्स बना रहे हैं, आप बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस बना रहे हैं, वो शामिल नहीं होती, क्योंकि इसका रीज़न है UN जो इसके सारे के सारे जो बनाता है हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो इस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, तो UN ने कहा कि ना जो डिफेंस की जो चीजें हैं, मान लीजिए हम गोला बारूद बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, तो वो चीजें आपकी जो लॉन्ग टर्म में देखें वो चीजों को बर्बाद करती हैं, चीजों को तोड़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो कैपिटल फॉर्मुलेट नहीं कर रही, वो कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने की मशीनरी है। तो इसलिए इस पर कॉल लिया गया, इस पर जो विचार विमर्श हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हटा देते हैं। मिलिट्री पर्पज के लिए अगर इक्विपमेंट्स बन रहे हैं एंड ऐसे सब चीजें बन रही हैं तो उसको हटा दिया गया, इट वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, हमसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मिलिट्री वालों के लिए घर बन रहे हैं, अगर ड्वेलिंग्स बन रही हैं वो शामिल होंगी, लेकिन अगर मिलिट्री पर्पसेस, मिलिट्री मतलब आपके समझिए ना कि जो अटैक करने टाइप कोई चीज जो भी बन रही है वो इससे हटा दी जाती है। लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए कि मिलिट्री के लिए आप अगर कोई कपड़ा बना रहे हैं ना, एंड ऐसी कोई और एंटरप्राइज है, तो अगर आप जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म्स वगैरह बन रही हैं वो शामिल हो जाती हैं, ऑलराइट। तो उसके लिए अगर आपने जो कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई वो शामिल हो जाएगी। गेटिंग इट, जो अटैक वाली चीज है ना, जहां पे आपको लग रहा है कि कोई अटैक से जुड़ी हुई चीज है डायरेक्टली, वो शामिल नहीं होती। ओके, देन एक जो चीज़ हमने देखी थी इनिशियली कि हमारे पास होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब वही है कि इन्वेंट्री जो कम ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए हम उसको भी अकाउंट में रखें अपने कि हमने कुछ नई चीज़ बना के रखी थी या पुरानी चीज़ कंज्यूम कर ली, तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल कहाँ जा रहा है या फिर हमारा ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन कैसे जा रही है, उसका भी ध्यान रखें। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस क्या होती हैं? बिल्कुल सरल सी बात है, पहले तो धन दौलत बचाएंगे। अगर सारा पैसा कंज्यूम ही कर लिया तो कौन सी कैपिटल फॉर्मेशन, कौन सी
इन्वेस्टमेंट है ना, तो पहले से सेविंग को बनाने की बात होती है, देन सेविंग के बाद हम उसको मोबिलाइज भी करें कि कहीं किसी बैंक में पैसा लगाएं, है ना। अगर मैंने जेब में डाल के रखा हुआ पैसा अपने, मैंने तकिए के नीचे या फिर मैंने अपने गद्दों के नीचे छुपा के रख लिया, तब सेविंग कर भी ली कोई फायदा थोड़ी ना हुआ। हमने ये इको सर्वे के लेक्चर में भी किया था कि सेविंग को मोबिलाइज तो करना पड़ेगा ना कहीं किसी जगह बैंक में या किसी स्टॉक में शेयर में लगाना पड़ेगा, तो सेविंग्स को मोबिलाइज करना जरूरी है। इसी उसके बाद जो सेविंग्स मान लीजिए मैंने किसी बैंक में डाल दिया, तो बैंक वाले ने आगे जो किसी कंपनी को उधार दे दिया जिसने उसके असेट्स खरीद लिए, कोई मशीनरी लगा दी, कोई प्लांट लगा दिया, तो इन्वेस्टमेंट होनी भी जरूरी है। ठीक है, पहले सेविंग होनी जरूरी है। हमारे बहुत सारे जो हायरड दोमर मॉडल थे इन्वेस्टमेंट के, ये सभी इसी पर ही बेस्ड हैं कि सेविंग्स होंगी तो ही कुछ आगे काम चलेगा। सेविंग्स होंगी देन उसको मोबिलाइज करेंगे, देन उसको इन्वेस्ट कर देंगे किसी चीज में। ओके, यहां पर अब मैं आपको तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम स्पेसिफिक तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात दोस्तों, जैसे हमने जीडीपी में पढ़ा था, जो भी हमारी डोमेस्टिकली चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसी को ही यहां पर शामिल करें। लेकिन ठीक है, लेकिन यहां पे बात एक और जो देखने वाली बात क्या है कि यहां पर अगर आपने मान लीजिए कोई सामान बनाया लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर दिया, मशीनरी बनाई आपने, बहुत बढ़िया सी मशीनरी बनाई, देश की बहुत तरक्की होगी, अरे लेकिन ये मशीनरी तो एक्सपोर्ट कर दी, अब देश की कैसे तरक्की होगी, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स को हमने हटाना है। लेकिन आपने बहुत बढ़िया किसी की मशीनरी अमेरिका से बनी हुई, यूरोप से बनी मशीनरी मंगवा ली, इंपोर्टेड, वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इंपोर्ट वाली चीजें ऐड हो जाती हैं, एक्सपोर्ट कर दी आपने मशीनरी यूज ही नहीं कर रहे, तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। सेकंड हैंड भी मंगवाओगे मशीनरी तब भी शामिल हो जाएगी, गेटिंग इट। तो इसीलिए इंपोर्टेड गुड्स की यहां पर बात आपने समझना जरूरी है। इंपोर्टेड मतलब घर में मशीनरी यूज हो रही है ना, तो ऐड करेंगे आप। ओके, लेकिन यहां पर मैं आपको एक और समझाता हूं बात। मान लीजिए कि आपके यहां पर एम्बेसी है, एम्बेसी ने कुछ सामान बनाया, अगर वो सामान बना के हमारे देश में कुछ, अगर सामान बना के हमारे देश के भले के लिए कर रहे हैं, कुछ फिक्स एसेट बन रहा है, तो वो इंपोर्ट में शामिल हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि देश के में अगर यूज हो रहा है एंड देश में अगर एसेट ऐड हो रहा है तो प्लस कर देंगे, इंपोर्ट है चाहे सेकेंड हैंड है, लेकिन अगर देश में बना लेकिन बाहर चला गया तो उसको माइनस कर दीजिएगा। ओके, तो यहीं पर मैंने यही बताने की ट्राई की है। तो ओके, दूसरा पॉइंट दोस्तों, जैसे ना अब ऐसी कोई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए लैंड, मेरे पास ज़मीन थी, मैंने ज़मीन आपको बेच दी, मैंने कोई नया एसेट क्रिएट किया, चाहे मान लीजिए मैंने 2 करोड़ की ज़मीन थी मेरे पास, मैंने आपको 5 करोड़ की बेच दी, आपको लगा कि गरीब आदमी है मैं 5 करोड़ दे देता हूँ इसको, तो मुझे दे दिया आपने 5 करोड़, लेकिन मेरी तो ज़मीन 2 करोड़ की थी, तो ये 3 करोड़ रुपये जो एक्स्ट्रा ऐड हुए क्या ये हमारे फिक्स्ड कैपिटल में ऐड होंगे? जी नहीं, कोई मैंने कुछ और तो नहीं किया ना, सिर्फ टाइटल ट्रांसफर हुआ, तो लैंड का जो ये है ओवरऑल जो एंड चाहे मिनरल डिपॉजिट्स मेरे पास, वो तो पहले के ही ज़मीन के अंदर थे, मैंने बाहर निकाल लिए, तो इसलिए जो हमारा स्टैंडिंग जो वुड है, जो हमारे पेड़ पौधे, ये शामिल नहीं होते हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे बात कि अगर मैंने लैंड को इंप्रूव कर दिया, बंजर जमीन थी लेकिन उसको अच्छा बना दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो शामिल होगा। ठीक है, लैंड में इंप्रूवमेंट होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लेट्स से कहीं पर अगर कोई मैंने लेक को हटाकर वहां पे जमीन या सी को मैंने क्लेम कर लिया, वो सब शामिल होती है, इंप्रूवमेंट शामिल होंगी। सिंपल जो चीजें एग्जिस्ट करती थी पहले से ही, उनको मैंने एक जो जैसे मैंने मिनरल्स बाहर निकाल लिए तो वो ऐड नहीं होते, मिनरल में वैल्यू ऐड करी वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आपकी जो अगर कोई चीज होनी चाहिए ना यूजेबल देश के लिए। ओके, ठीक है, तो यहां पर इसीलिए इसके बाद हम आगे एक और पॉइंट भी है हमारे पास कि जैसे अगर हम देखें जो वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स वगैरह की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो वर्क इन प्रोग्रेस या फिर जो फिनिश्ड गुड्स एटसेट्रा है, उसको भी हमने जो इसी तरह से हमने ध्यान में रख के बात करनी है कि हमारा जो ओवरऑल जो फिक्स्ड जो हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, लेट्स से कि आपने कोई मकान बना, जो आपने कोई ब्रिज बनाया, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज को बनाने के बाद यहां पर आपने उसमें थोड़ी सी मरम्मत कराई और आपने उसको रिपेयर करवाई, रिपेयर करा के वो आपका असेट एकदम बढ़िया बन गया, वो ब्रिज अच्छा बन गया, उस पर भारी भरकम ट्रक भी निकल सकते थे, अब ट्रैफिक जा सकता था, ठीक है, और मूवमेंट शुरू हुई, तो आप ऐसी चीजों की जो वर्क इन प्रोग्रेस थी या जो रिपेयर्स हैं, ये सब चीजें जो ये शामिल करेंगे आप, ठीक है, इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपके देश की कैपिटल फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आपके देश की कैपिटल की लाइफ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली इसी को आपने जो इस तरह से ट्रीट करना है। ओके, ये जो सरकारी साइड से एक और मैंने एक जो निकाला कि ओवरऑल समरी है कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट हाउस होल्ड एंड वैल्यूएबल्स आते हैं, ठीक है, ग्रॉस की बात करें पब्लिक सेक्टर में कंस्ट्रक्शन मशीनरी इक्विपमेंट है, प्राइवेट में भी यही, हाउस होल्ड में भी यही। ओके, चेंज इन स्टॉक है कि पब्लिक में चेंज इन स्टॉक हुआ, प्राइवेट में हाउस होल्ड में हुआ, इसमें कंजम्पशन को मैंने
माइनस कर देना है, लेस कर देना है, ठीक है। इसीलिए जब मैंने टोटल जो बना मेरा उसमें से मैंने माइनस कर दिया कुछ, तो जो नेट कहानी आ गई, गेटिंग इट। तो ये नेट कैपिटल हमारे पास फॉर्मुलेशन आ जाती है। ओके, रिसेंट ट्रेंड्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक का डेटा भारत के लिए बोलता है कि हमारा जो GFCF है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल जो फॉर्मेशन, ये घटता जा रहा है, मॉडरेट होता जा रहा है। पहले तो बड़ा अरे नीचे, अब लेकिन नीचे गिरता जा रहा है 2012-13 के बाद से, तो ये काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है। ओके, देन अदर एस्पेक्ट्स भी हैं कैपिटल फॉर्मेशन के जो आपको जैसे मेंस वगैरह में जो हेल्प करते हैं हमारी बनाने में, तो वो क्या है कि कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हैं या मशीनरीज, नहीं दोस्तों, हमारा ह्यूमन कैपिटल जो हमारी इंसानी कैपिटल है, जहाँ पे उनके जो हमारे जो देश के लोगों की अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, इनकी स्किल्स, ये सभी अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बार तो लगता है ना कि खर्चा कर रहे हो आप, यू इंक्रीजिंग योर एक्सपेंडिचर। नो दोस्तों, वी ऑफ कोर्स वी आर इंक्रीजिंग आर एक्सपेंडिचर, बट वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर। तो इसीलिए बहुत सी जगहों पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसको जो आप खर्चा कर रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स में, इसको भी आप कैपिटल फॉर्मेशन की ही बात कीजिए, क्योंकि आप ह्यूमन कैपिटल बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल भी आप डालेंगे अपने आंसर्स में, मजेदार आंसर बनेगा। ओके, एंड देन इसी से जुड़ी हुई टर्म्स हैं कैपिटल आउटपुट रेशो या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, मैंने अपने लेक्चर्स में वैसे कवर किया हुआ, लेकिन अभी लेक्चर लंबा ही होता जा रहा है ना, तो मन तो इतना करता है पढ़ाने का और पढ़ाई जाओ, लेकिन 2 मिनट की सीरीज वो 15 मिनट की बन जाती है, फिर बच्चे बोलते हैं अरे सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, तो पढ़ना तो जरूरी है, नंबर तभी आएंगे। तो आप मुझे चलिए एक कमेंट्स में बताइए कि हमें जो हमारी आईकॉर होती है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, कौन सी वाली बढ़िया है, हमें लो बढ़िया रहेगी हमारे देश के लिए, हाई बढ़िया रहेगी, ठीक है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है व्हाट इज बेटर फॉर अ कंट्री या फिर फॉर एनीवन, ठीक है, कोई कंपनी के लिए भी हो सकता है, लो आईकॉर बेटर है या हाई आईकॉर बेटर है, मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा इस बार, 15 नंबर का सवाल था दोस्तों, हमने अपने लेक्चर्स में कवर भी किया हुआ था, अच्छा बड़ी बात है, क्योंकि जो मतलब अच्छी चीज है तो वो कवर करनी भी चाहिए ना, मुश्किल हो चाहे कॉन्सेप्ट, यूपीएससी पूछेगा 15 नंबर दोस्तों, 15 मार्क्स कैसे छोड़ सकते हैं, कि आपने बताना था मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आराम से समझा सकते हैं आप। एंड देन उसके बाद आपने बताना है कि अगर आपने पीपीपी के लिए कंसेशन एग्रीमेंट बनाना है तो क्या क्या टर्म्स है। ओके, चलिए कैपिटल फॉर्मेशन अगर बताना आ गया, इन्वेस्टमेंट बताना आ गया, उसके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, लोग सेविंग क्यों नहीं कर पा रहे, वो आपने 3 स्टेप्स देखे थे, अगर 3 स्टेप्स में से पहले ही स्टेप में दिक्कत आ रही है, अगर उसके बाद मान लीजिए सेविंग हो भी रही है तो मोबिलाइज नहीं हो रही, बैंक्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक्स आगे उधार देने को तैयार नहीं है, एनपीए चल रहा है, और एटसेट्रा वगैरह ना, आप ऐसे बता सकते हैं। तो इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, इन्वेस्टमेंट करानी है, तो आपको सरकार के पास पैसा भी कमी है, अभी कोरोना में सरकार के बहुत पैसे खर्च हो गए, तो हमें प्राइवेट पार्टीज को बोलना पड़ेगा सर आप आइए पब्लिक मतलब सरकार के साथ मिलिए, पीपीपी कीजिए, है ना, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल सकते हैं सोलर में, यहाँ वहाँ ऐसा वैसा, जो मर्जी जॉब्स प्रोवाइड होंगी, जॉब्स के साथ स्किल भी देना पड़ेगा, कमियाँ ये वो सब बताइए, अच्छा आंसर बन सकता है 15 मार्क्स में, तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है GS3 के आंसर में। तो बस दोस्तों यही कहानी है, इसी को ही पढ़ेंगे एंड करेंगे, तो आप भी मेहनत करते रहिए, एंड हमारा क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, बहुत सारा सामान है दोस्तों हमारे पास आपके लिए, वेबसाइट पे सब अवेलेबल, 2022 के कोर्सेज भी आ रहे हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केटिंग, एंड कॉन्सेप्ट वापस आइए, पढ़िए हाई और लो आईकॉर, वो आपने मुझे बताना है कौन सा बढ़िया, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।